दिशा निर्देश के अनुसार आज विभिन्न विद्यालयों में तृतीय पीटीएम आयोजित किया जा रहा है, तीसरा है, इससे पहले दो पीटीएम का आयोजन किया जा चुका है, तो उसमें भी आप लोग सहभागिता अपनी सुनिश्चित किए होंगे। विभिन्न मुद्दों पे विद्यालय विकास योजना और बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो, बच्चों को विद्यालय में कैसे पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो, इन सब बिंदुओं पर चर्चाएं की होंगी। और जैसा कि अभी राजेश जी जो विभिन्न बिंदुओं पर जो चर्चा कर रहे थे, उससे ये अवगत हमको लग रहा है कि आप सभी हैं पहले पूर्व से ही कि अपने बच्चे को किस तरह से नियमित हम विद्यालय भेजें कि उनको बच्चे को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो। यदि बच्चा इरेगुलर रहेगा तो जो पाठ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है तो उसमें उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, जब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो सही से गेन नहीं कर पाएगा। और जो दक्षता है, किसी हर क्लास का एक दक्षता निर्धारित किया गया है, तो ये लेवल तक बच्चा तभी पहुंच पाएगा जब वो अपने क्लास में नियमित रूप से उपस्थित होगा। तो सबसे पहले एज ए अभिभावक, एज ए गार्जियन हमारा ड्यूटी बनता है कि हम बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। दूसरा, जब बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं तो एज ए गार्जियन दूसरा ड्यूटी हमारा यही बनता है कि जब बच्चा विद्यालय से घर जाए तो कम से कम उसके साथ 2-4-5 मिनट का संवाद स्थापित करें, बातचीत करें। बातचीत करते के बारे में हमको कहानी बताई गई कि राम कौन थे, सीता कौन थे, ठीक है, एक पहला दिनों बाद बोल रहा है, दूसरा दिन फिर एक सप्ताह बाद पूछिएगा, तो क्या बच्चा वहीं तक है कि राम सीता के जानकारी तक ही सीमित है कि और उससे बेहतर कुछ सीख पाया है। आज बच्चा अल्फाबेट सीखा ए बी सी, तो कल क्या उससे वर्ड बनाना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ए फॉर एप्पल जान रहा है कि नहीं जा रहा है, बी फॉर बॉल जान रहा है कि नहीं जान रहा है, कि यथावत वहीं पर पड़ा हुआ है। तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने बच्चे के साथ में कुछ बातचीत कर पाएंगे। जब आप हम लोग सभी कामकाजी हैं, अपने घरेलू काम में व्यस्त रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, लेकिन उस सब के बीच में अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा, तभी हमारा बच्चा, में हम लोग चाहते हैं कि बच्चा हमारा विकास कर सके, बच्चे अन्य विद्यालय के मुकाबले जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल से कंपेयर जब करते हैं कि वहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाती है, तो ये सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में भी हो रही है। जिस कक्ष में आप बैठे हैं एक लाइब्रेरी का कक्ष है, आप देख रहे होंगे आप आस पास में या कई परिचित में रिश्तेदार में के बच्चे यदि प्राइवेट निजी स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ जाने का मौका मिला होगा, देखते होंगे किस तरह साथ जो किया जाता है, क्लासरूम किस तरह से अट्रैक्टिव बना रहता है, तो सारी व्यवस्था धीरे धीरे सरकार अपने विद्यालयों में कर रही है।